वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू सेट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक, यानी कि इस डिवाइस में फिंगरप्रिंट लॉक ऐड कैसे करें। फिंगरप्रिंट सेट करने के लिए सबसे पहले आपको फ़ोन के सेटिंग्स में जाना होगा। फ़ोन सेटिंग्स ओपन करने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आइए, नेक्स्ट पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पर टैप करेंगे। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी सेटिंग से आप पैटर्न लॉक, फेस लॉक और फिंगरप्रिंट लॉक ऐड कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम फिंगरप्रिंट लॉक ऐड करना सीखेंगे। यहाँ फिंगरप्रिंट पे क्लिक करिए। फिंगरप्रिंट सेट करने से पहले आप कुछ एडिशनल पासवर्ड सेट करना होगा, क्योंकि कई बार फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको फ़ोन अनलॉक करने में असमर्थ हो जाते हैं। उस समय आप दूसरा पासवर्ड डाल के फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पासवर्ड टाइप में जाके न्यूमेरिक, पैटर्न और अल्फान्यूमेरिक पासवर्ड चूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इनमें से पैटर्न लॉक को चुन लेता हूँ। उसके बाद 2 times सेम पैटर्न ड्रॉ करके कन्फर्म कर देंगे। प्लेस योर फिंगर ऑन द सेंसर। आपका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो आपको इस फोन में डिस्प्ले के ऊपर देखने को मिल जाएगा। जिस अंगुलियों को आप सेट करना चाहते हैं उसे क्लीन कर लेना है। उसके बाद सेंसर के ऊपर फिंगर को अच्छी तरीके से अप एंड डाउन करके मूव करना होगा। फिंगर दबाने के साथ साथ आप वाइब्रेशन महसूस करेंगे। यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर के ऊपर जो लाइन दिख रहा है, अपना फिंगर को चारों तरफ से मूव करके इंसर्ट लाइन को फिल करना होगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फिंगरप्रिंट ऐड हो चुका है। फिंगरप्रिंट के आगे 3 dotted lines पे टैप करके हमने जो फिंगरप्रिंट डेटा ऐड करी है उसे डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से आप ऐड फिंगरप्रिंट में जाके मैक्सिमम 5 fingerprints को जोड़ सकते हैं। इस फिंगरप्रिंट डेटा को आप स्क्रीन अनलॉक, ऐप लॉक और प्राइवेट सेव के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा फिंगरप्रिंट डेटा ऐड किया है तो यहाँ फिंगरप्रिंट पर हिडन ऐप्स में जाके finger 1 और finger 2 से हिडन एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद फिंगरप्रिंट एनिमेशन पे टैप करके अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट एनिमेशन स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। शो फिंगरप्रिंट आइकन, जब स्क्रीन ऑफ रहेगा तब डिस्प्ले के ऊपर फिंगरप्रिंट सेंसर आइकन शो या हाइड करके रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।